हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से आज एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल सीएस टेक्निकल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ, यू कहें कि ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूँ। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास वन के लॉटरी रिजल्ट को लेकर के सभी पेरेंट्स वेट कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि क्लास वन में जो लॉटरी लिस्ट आउट होना है उसकी डेट आ चुकी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूं कि डेट्स क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन क्लास वन के लॉटरी लिस्ट को लेकर आएगा तो मैं तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना करके आप सबसे शेयर करूंगा। तो मैं आपके लिए सबसे पहले लॉटरी लिस्ट जो आउट हो रही है उसकी डेट शीट लेकर आया हूँ कि कब पहली लिस्ट आउट हो रही है और कब दूसरी लिस्ट आउट हो रही है, कब तीसरी लिस्ट आउट हो रही है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो डेट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों, जो नई डेट जारी किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा क्लास फर्स्ट का जो लॉटरी रिजल्ट है उसको चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे KVS। KVS टाइप करने के बाद यहाँ पे हम सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह से एडवर्टाइजमेंट वगैरह आएंगे तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ लिखा है आवर ऑब्जेक्टिव, आवर मिशन। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनाउंसमेंट। यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर पहले नंबर पे लिखा हुआ है रिवाइज शेड्यूल फॉर एडमिशन 2021-22। तो यहाँ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो पब्लिश डेट है, देखिए यहाँ पे 9/6/2021 यानी 9 जून 2021 का ये नोटिफिकेशन है। चलिए मैं आपको इसको डाउनलोड करके और आपको जो नई डेट्स आई हैं एडमिशन लिस्ट को लेकर के वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खुल गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रवेश के लिए संशोधित समय सारणी रिवाइज शेड्यूल फॉर एडमिशन। यहाँ देखिए जो सीरियल नंबर वन है उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है ए पॉइंट है वो लिखा हुआ है सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रशिक्षित सूची का प्रदर्शन, डिक्लेरेशन फॉर प्रोविजनल सेलेक्ट एंड वेटिंग लिस्ट फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। बी पॉइंट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है चयनित उपभोक्त जारी सूची के अनुसार विद्यार्थियों के प्रवेश का आरंभ निम्न क्रम में है। पहला जो लिखा हुआ है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत चयनित, दूसरा जो है वो लिखा हुआ है सेवा श्रेणी वरीयता क्रम श्रेणी 1 एवं 2 में से चयनित, तीसरा जो है वो लिखा है उपरोक्त में शामिल आरक्षित कोटे में भरी सीटों के बाद रिक्त सीट में पर प्रवेश। इसको देखिए बगल में लिखा हुआ है कि फर्स्ट लिस्ट जो है 23/6/2021 को आउट होगी, यानी जो फर्स्ट लिस्ट जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन की जो आउट होनी है लॉटरी लिस्ट वो है 23 जून 2021 को आउट होना है, बुधवार के दिन। जो सेकेंड लिस्ट है वो देखिए 30 जून 2021 को आउट होना है, वो भी बुधवार के दिन। जो सीटें खाली होंगे उसको भरने के लिए जो सेकंड लिस्ट आउट होगी वो 30 जून 2021 को आउट होगी। उसके बाद देखिए जो तीसरा लिस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 जुलाई 2021 को यानी सोमवार के दिन जो सीटें खाली रह गई होंगी उनको भरने के लिए 5 जुलाई 2021 को उसका जो थर्ड लिस्ट है वो आउट किया जाएगा। उसके बाद देखिए जो सीरियल नंबर 2 में लिखा हुआ है जो फर्स्ट पॉइंट सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन एवं प्रवेश, यदि आरक्षित वर्ग की सीटों को सुरक्षित रखते हुए सीटें रिक्त हो तो 2 जुलाई 2021 को यानी शुक्रवार के दिन से लेकर के 6 जुलाई 2021 यानी मंगलवार, यानी टोटल 4 दिन के बीच में लिस्ट आउट किए जाएंगे। उसके बाद देखिए जो सीरियल नंबर 2 का सेकंड है वो लिखा हुआ है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा 1 यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त ना हुए हो तो नोटिफिकेशन ऑन 8 जुलाई 2021 थर्सडे, रजिस्टर फॉर्म 8 जुलाई 2021 थर्सडे टू 12 जुलाई 2021, लिस्ट एंड एडमिशन 13 जुलाई 2021 टू 16 जुलाई 2021 फ्राइडे तक। देखिए जो तीसरा जो सीरियल नंबर है यहाँ पर देख सकते हैं आप, कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए सूची जारी करना 24 जून 2021 शाम के 4 बजे तक इफ़ नॉट डिक्लेयर्ड येट। देखिए जो चौथा सीरियल नंबर है वो लिखा हुआ है कक्षा द्वितीय तथा आगे के कक्षाओं के लिए प्रवेश, यहाँ देखिए लिखा है 25 जून 2021 फ्राइडे से 30 जून 2021 बुधवार तक इसका लिस्ट आउट किया जाएगा। उसके बाद देखिए जो पाँचवा सीरियल नंबर है उसमें लिखा हुआ है कक्षा 11th को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 31/8/2021 यानी 31 अगस्त 2021 बृहस्पतिवार का दिन लास्ट है। उसके बाद देखिए जो छठा सीरियल नंबर है वो लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय के छात्र एवं छात्रा कक्षा 11 प्रवेश के लिए पंजीकरण विद इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि जो
क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको जो है 10th क्लास का रिजल्ट आउट होने के 10 दिन के अंदर ही वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद देखिए जो 7वां पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है, केंद्रीय विद्यालय के छात्र एवं छात्रा कक्षा 11 की प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश, इसमें देखिए विद इन 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट, यानी क्लास 10th का रिजल्ट आउट होने के 20 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो 8वां पॉइंट लिखा हुआ है, गैर केंद्रीय विद्यालय के छात्रों छात्राएं जो 11वीं क्लास में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश रिक्त होने की स्थिति में आफ्टर द एडमिशन ऑफ KV स्टूडेंट्स इन क्लास 11th, उसके बाद की कार्रवाई है। उसके बाद देखिए जो 9वां पॉइंट लिखा हुआ है, क्लास 11th में प्रवेश की अंतिम तिथि, इसमें देखिए लास्ट 30 डेज फॉर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट ऑफ CBSE, इसका मतलब यह है कि CBSE का क्लास 10th का रिजल्ट आउट होने के 30 दिन के अंदर आपको कक्षा 11 में प्रवेश ले सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो CBSE क्लास 10th का रिजल्ट आउट होने के 30 दिन के अंदर आपको जो भी कार्रवाई करनी है करनी है। यहाँ देखिए एक नोट भी लिखा हुआ है नीचे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि समस्त पंजीकरण बच्चों की सूची, प्रवेश योग्य बच्चों की सूची, प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की श्रेणी, वार सूची, प्रतीक्षा सूची व उत्तरवर्ती सूचियों के संबंधित केंद्रीय विद्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करने के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट पर देना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, यदि पंजीकृत हेतु निर्धारित प्रारंभिक अंतिम तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश का दिन है तो अगला कार्य दिवस स्वीकार्य होगा। तो दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले जो नोटिस था मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों मैं आप सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो कि अपने बच्चे के एडमिशन को लेकर के चिंतित थे कि केंद्रीय विद्यालय के जो क्लास फर्स्ट का जो लॉटरी लिस्ट है वो आउट होगा कि नहीं होगा इस साल। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि डेट्स आने के बाद क्लियर हो गया कि किस तारीख को डेट्स आ रही हैं। तो दोस्तों जो मैंने वादा किया था आप सभी से वो मैंने आज पूरा किया कि जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा क्लास 1 की लॉटरी लिस्ट को लेकर के मैं तुरंत उसके ऊपर अपडेट बना करके आप सभी से शेयर करूंगा। तो दोस्तों और नई नई अपडेट पाने के लिए क्लास 1 में लॉटरी रिजल्ट को लेकर के या अन्य क्लासों को लेकर के केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और नई नई वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।